तकी साहब, गठबंधन में सबसे बड़ी बात है कि जनता आप पर ट्रस्ट करे कि आप जितने लोग शामिल हो सबका मन मिल गया, सब में एका हो गई। मूल प्रश्न यही रहता है ना, और रिजल्ट तभी आता है। एक उदाहरण दे दूं आपको जिससे आपको मेरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। बसपा और सपा से बड़ा गठबंधन हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। क्या अजीत सिंह भी साथ थे क्या, जयंत जी के पिता? सब लोग सोच रहे थे कि 70 सीट तो कहीं गई नहीं। क्या 5 सपा जीती, 10 बहन जी जीती, बाकी सब साफ हो गए? क्या अजीत सिंह चुनाव हार गए? अजीत सिंह क्यों? जनता ने यह भरोसा नहीं किया कि यह विश्वसनीय गठबंधन है, इनके दिल मिले हैं। इसका अर्थ यही ना, वरना कागज पेन पर हम लोगों ने जाने कितनी बार जोड़ा था कि सारा कॉम्बिनेशन ठीक है, तो ये भरोसा कैसे आएगा जब आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होंगे। ममता जी का कल का बयान में देख रहा था, कल मैंने उसमें शो भी किया, उन्होंने कहा कांग्रेस बीजेपी और सीपीएम तीनों एक साथ चुनाव लड़े हैं मेरे खिलाफ। तकी साहब, देखिए मिताभ जी, अभी आप कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, उससे पहले कांग्रेस सरकार भी, नरसिम्हा राव सरकार की, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कांग्रेस सरकार से बीजेपी की सरकार कोई कंपेरिजन नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है, जनता जानना चाहती है पूर्ण बहुमत की सरकार ने जनता को दिया क्या है, क्या महंगाई कंट्रोल कर पाई? यार मैंने क्या सवाल पूछा, आप उस पर जवाब ही नहीं दिए। इस पर अभी चलो इस पे बोल लो एक मिनट, फिर उसका जवाब दे देना। पहले एक मिनट इस पे बोल लो आप अपने मन के, फिर मेरा प्रश्न उत्तर दे देना। जी मुझे बोलने दीजिए, मैंने वही कर, पहले एक मिनट अपनी बात बोलो फिर मेरे प्रश्न का उत्तर। हाँ, जनता विश्वास करेगी, देखेगी सरकार ने किया क्या पिछले सालों में हमारे लिए, जी क्या महंगाई कंट्रोल कर पाई, जनता जुड़ी समस्याओं को हल कर निकाल पाई, या सिर्फ वादे करके ही जंग रही। और अभी बात कह रहे थे हमारे भाई साहब बीजेपी के ओपी सिंह साहब कि दुल्हा नहीं मिल रहा है, अभी दुल्हा की बारात है, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ जो लोग अपनी दुल्हन को छोड़ के चले गए और जो कभी दुल्हा ना बने वो हमको बचपन ना बताए कि दुल्हा की बारात क्या होती। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गठबंधन के साथ है, बच्ची एकता के साथ है, हम सबको मिलके एक साथ लड़ना है, जनता को भरोसा दिलाना है कि लोकतंत्र अभी भी देश का मजबूत है और जनता विश्वास करेगी, ट्रैक रिकॉर्ड देखेगी आम आदमी पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस के टाइम में महंगाई कितनी थी, पेट्रोल क्या रेट मिलता था, रोजगार क्या था, वहाँ ओल्ड पेंशन बहाल होती थी नहीं होती थी, ओल्ड पेंशन मिलती थी नहीं मिलती थी, तो जनता सारा रिकॉर्ड देखकर तय करेगी ना। जनता के बनने का अदालत है अमिताभ जी, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, वो भी फैसला कर रही है, वो जानना चाहती है। और ये बहुत अच्छी बात है, विपक्ष को छोड़ के जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो जनता के डाउट को क्लियर कर रहे हैं कि वो कौन इस वक्त जनता के साथ है, कौन जनता के विरुद्ध बीजेपी के साथ। ठीक है, ठीक है, ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी है। ठीक है, 142 को जनता वर्सेस। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, एक मिनट सांस ले लो, एक मासूम सा सवाल पूछ लूं। मन में आ गया कि 24 का परिणाम आ गया मान लो, और आप कह रहे हो कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है क्या, और आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं आया, तो जनता हारी हुई तो नहीं मानी जाती, क्योंकि जनता तो खुद ही जनार्दन है, तब क्या परिणाम, तब क्या तर्क लाओगे, कौन सी डिक्शनरी खोलोगे, तर्क लाओगे? तब या तो ये थितरई करो कि मुसलमान यादव के वोट काट दिए गए, या तो ये बोलो थितरई करो, छोटे छोटे दलों को जोड़ने में लगी है ये, थितरई नहीं, बात करो तो प्रमाणित करो। ठीक ठीक है, अगर इतना कॉन्फिडेंस होता तो जैन चौधरी जिसके पीछे ना भागती, इतना ऐसा कॉन्फिडेंस होता तो चिराग पासवान भी पीछे पीछे भी ना भागती। बीजेपी इतनी डरी हुई है, राजनीतिक दलों का आत्मविश्वास इतना विकट होता है, अति आत्मविश्वास, वो 19 के चुनाव में भी यही कह रहे थे डरी हुई बीजेपी है किसी लायक नहीं है, तबाह हो जाएगी, दर दर की भिखारी हो जाएगी, 303 सीट जीत के आ गई, फिर बोला नहीं नहीं मुसलमान और यादव के वोट काट दिए इसलिए जीत गई। बताओ को मतलब है क्या यार, कुछ तो बात समझ के बोलो, जिम्मेदारी लो, जो कहो उसकी जिम्मेदारी तो लो। खैर ओपी सिंह जी,
विपक्षी दल कह रहे हैं कि भैया इस बार मसला एकता का नहीं, इस बार तो जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है विपक्षी दलों की तरफ से, तो आपकी तरफ से कौन लड़ेगा अगर जनता उनकी तरफ से लड़ेगी? क्योंकि जनता तो डबल नहीं हो सकती, ऐसा तो है ना कि आप जापान से जनता ले आओगे। देखिए ऐसा अताप जी जो कहा मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ जी, जनता ही लड़ती है। जनता 14 में भी लड़ी, 17 में भी लड़ी, 19 में भी लड़ी, 22 में भी लड़ी और 24 में कमर कस के बैठी है। देखिए ऐसा है अताप जी, ये जो आप डिबेट चलाते हैं 14 से हम भी डिबेट कर रहे हैं, ये पार्टी की तरफ से बोलना हो सकता है कि हमारी मजबूरी है, लेकिन जनता की सोच में मजबूरी नहीं हो सकती। जब आप चुनाव मैदान में जाएंगे तो जो 19 का मुद्दा था वही 24 का मुद्दा बनेगा, मेरा ये मानना। 14 का मुद्दा अलग था, 14 का मुद्दा संभावनाओं पर था, आजमाने का मुद्दा था, लेकिन 19 का मुद्दा क्या था? आपकी 5 साल सरकार रही केंद्र में, तो जवाब दो। अब जब 24 में हम जाएंगे तो जनता कहेगी भैया तुम 10 साल सरकार में रहे, जवाब दो। तो हम अपने विकास के जो मुद्दे हैं योजनाएं बताएंगे तो वही कांग्रेस कहेगी रुको 60 साल मेरी सरकार रही है, मेरी योजनाओं को और मेरा उसको सुनो। अब उसके बाद जो ये दल वाले और हैं ये डकली पीटेंगे, कहेंगे साहब पिछले चुनाव में हमने MY का नारा दिया, इस बार हमने बढ़ा दिया दायरा। कह क्या बढ़ा दिया? कह PDA, कह मतलब पिछड़ा दलित मुसलमान, मतलब सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। PDA का मतलब तो यही हुआ ना, पिछड़ा दलित मुसलमान। इसका मतलब कि उन दलों को जो दल ये नारा लगा रहे हैं उसमें समर्थ तो आते नहीं, तो जो देने वाला वोट है वो भी नहीं देखा। देखिए ऐसा है, ये डिबेट पर जब तक मतगणना नहीं परिणाम आएगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, हमारी पार्टी की मजबूरी है, हम सरकार बनाते रहेंगे। अरे आपने देखा नहीं जो लोग 2 सीट विधानसभा में पाए, 1 सीट पाए, वो भी सरकार बना रहे थे और कह रहे थे कि देश हित में संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को हम विदेश में जाकर के अपमानित करके अपने देश में लोकतंत्र बचाने के लिए लोग भाई लड़ो। आप जब जाएंगे तो 10 साल बनाम 60 साल चलेगा ना, चलेगा ना, जिसने देश में 60 साल सरकार दोनों लोग रुकिए। एक थीसिस आई उभर के कि भाई जनता चुनाव लड़ेगी। त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश को दिमाग में अगर रखें तो 14, 17, 19 और 22 देश के सबसे बड़े राज्य में 4 निर्वाचन हुए, ठीक हुए ना, इसमें भी जनता ही लड़ी होगी, मेरी बुद्धि ये कहती है। इसमें ऐसा तो नहीं कि जापान के लोगों ने वोट डाला होगा या अमेरिका के, यूपी की ही जनता लड़ी वोट डाली होगी, चारों के परिणाम सामने हैं। इस बार जनता लड़ेगी और इन 4 बार जनता ने लड़ने से इनकार कर दिया था, बोले हमें मतलब नहीं, तुम लोग अपना निपट लो। केवल पार्टियों ने वोट डाला था एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में। त्रिपाठी जी,
नहीं अमिताभ जी, मुझे नहीं लगता कि आपकी इतनी छोटी सोच होगी कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि तब किसने वोट डाला था। तब भी जनता ने वोट डाला था, मतदाता सूची निर्वाचन आयोग जो तैयार करता है वही लोग वोट डालते हैं। जनता वोट करेगी का मतलब है मुद्दों को लेकर। उस समय एक ऐसा सिफूगा, एक ऐसा जुमला, एक ऐसा झूठ लेके महामानव अवतरित हुए थे। 22 तो बहुत दूर नहीं रह गया ना, 22 में तो ये सब मुद्दे थे नहीं थे। 22 तक की भी हालत पे आ रहे, आप 14 से शुरू तो करने दीजिए अमिताभ जी। इतनी जल्दी निर्णय आप चाहते कि एक लाइन में दे दूं, आप थोड़ा सा समय दीजिए। मैं बता रहा कि इतने झूठे जुमले जो लेकर आए थे, उसका लाभ मिला 15 लाख आने वाले हैं, काला धन आने वाला है, सारी समस्याएं आज तक कांग्रेस ने पैदा की थी, अब सब अच्छे दिन आने वाले हैं। अब धीरे धीरे जनता के सामने रोना रोया गया कि कभी साहब ऐसा हो गया, अंतरराष्ट्रीय कारण आ गए, फिर ये हो गया, कितनी बार आंसू आ गए प्रधानमंत्री जी के, बीच में गला रुंध गया, अभी तक एक पैर की सरकार थी, मेरा सवाल अनुत्तरित है, मेरा सवाल अनुत्तरित है। हम बता रहे, यही बता रहे। और मैंने पूछा इन चार चुनावों में वोट किसने डाला, मैं सिर्फ इतना छोटा सवाल पूछ रहा था, आप कहां पहुंच गए। जनता ने डाला, जनता के सामने एक झूठ परोसा गया जिससे जनता को ठीक। अब मैं यही सवाल लेके मनोज जी के पास जाऊंगा और एक बात और कैवियट लगा दूं, त्रिपाठी जी एक कैवियट और लगा दूं, वही सवाल लेके मनोज जी के पास भी जाता हूं कि 19 के चुनाव में ना काला धन था ना 15 लाख था, ठीक, ये 14 में मुद्दे थे, ठीक, इसलिए ये भी कैवियट मैंने लगा दिया। 14, 17, 19, 22 चार बार 25 करोड़ की आबादी ने वोट किया, अपना जनादेश सुनाया। मनोज जी इस बार की जनता नहीं बदली जा सकती, जनता तो वही रहेगी, नेता उम्मीदवार बदले जा सकते हैं, पार्टियां का अलायंस बदल सकता है, लेकिन जनता तो नहीं कोई बदल सकता। बोले नहीं आपकी हम नई जनता लाएं, ऐसा तो संभव नहीं। आप वाले सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक बात और कह लूं। जी जी, कमजोर लोग इस देश में कमजोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूत लोग मजबूत लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, यही पूरी राजनीति है। हम आम आदमी की आवाज को उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग अडानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें किसी तरीके का कोई भी अब शक सुबह नहीं रह गया। हमें परिभाषित किया जाता है, 19 में जो चुनाव हुआ था मुद्दों पर चुनाव जा चुका था, विपक्ष की एकता नहीं बन पाई थी। आप मुझसे ज्यादा समझदार और मुझसे ज्यादा अनुभवी, आपका अनुभव बड़ा है। 50 जवान शहीद हो गए थे इस देश के और कुछ कौवा मर गए थे बॉर्डर के उस पार, और यहां झूठा प्रचार हो गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुछ गेम भी हो गए थे, अमेरिका में ट्रंप भैया बैठे ही थे, कुछ 2 घंटे में अभी आ जाएगा गुड न्यूज जैसा, तो बड़ा एक माहौल बनाया गया था। मुद्दों पर तो आ गया था चुनाव, लेकिन विपक्ष की एकता मजबूत नहीं थी जिस तरह उत्तर प्रदेश में थी। हमने एक मजबूती के साथ गठबंधन किया लेकिन कांग्रेस अलग थी। तो ये बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं 19 के। जनता वही है, वही जनता है जब अटल जी जीते थे, और वही जनता है जब कांग्रेस जीती थी, वही जनता है जब सपा जीती थी, वही जनता है जब बसपा जीती थी। ये सारी चीजें चलेंगी, लेकिन एक लाइन कह लूं बस, फिर आप अपनी बात कहिएगा। मेरा अनुरोध है और सभी से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, मुद्दों पर भी राजनीति हो जाए, मुद्दों पे भी सवाल जवाब हो जाए। मोदी बहुत ताकतवर हैं, देखिए नहीं हम हरा पाएंगे आपके कहने के हिसाब से और सबके कहने के हिसाब से, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, दम भर के प्रयास करेंगे, और जहां हरा पाएंगे वहां हराएंगे। ठीक बात।